दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ये बहुत ही शानदार ब्लूटूथ स्पीकर, जो सारी जो फीचर्स है इसमें भर भर के दिया हुआ है, जैसे कि ब्लूटूथ वर्जन 5 है, इसमें ड्यूअल कनेक्टिविटी मोड है और ये स्वेट और जो ड्यू प्रोटेक्शन है इसमें भी दिया हुआ है, और इसमें 10mm ड्राइवर दिया हुआ है, और इधर नॉइज कैंसिलेशन माइक भी मिलता है, और आपको बताना चाहूँगा ये मेड इन इंडिया भी है। और देखिए अभी जो मेड इन इंडिया कोई भी प्रोडक्ट पाने में आपको बहुत ही दिक्कत करना पड़ता है, क्योंकि इसके वजह हम लोग ही है, क्योंकि हम लोग कोई भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट अच्छा हो तो भी खरीदना नहीं चाहते हैं, क्योंकि होता है कुछ फीचर्स मिसिंग होता है, लेकिन ये फीचर्स कुछ मिसिंग नहीं है और सपोर्ट टू इंडिया। चलिए दोस्तों बॉक्स कंटेंट की तरफ ध्यान देते हैं, बॉक्स पैक में क्या कुछ मिलता है। देखिए बॉक्स में ऊपर की तरफ इधर लिखा हुआ है ब्लूटूथ वर्जन 5, फास्ट कनेक्टिविटी, 10mm पावरफुल ऑडियो ड्राइवर एंड लॉन्ग प्ले टाइम अराउंड 7 to 8 hours। मुझे लगता है, देखिए मैं बाद में बताऊंगा, ये 7 to 8 hours मिनिमम टाइम है, ये टाइम तो आपको मिल ही जाएगा। और चलिए बॉक्स का पीछे में आपको मेड इन इंडिया दिख जाएगा, और ये इंडिया का ही कंपनी है और ये दिल्ली का प्रोडक्ट है। इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 1999, एंड मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन का लिंक दे रहा हूँ, 899 में ये आपको मिलने वाला है, तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, ठीक है। और देखिए मैं बॉक्स पैक में क्या कुछ मिलता है, चलिए इसका फीचर्स बताता हूँ। वाओ, बॉक्स पैक में ये 4 पीस आपको नन्ना सा जो बार्ड मिलता है, ये बार्ड आपको मिसिंग हो जाने पर ये आपको काम में आएगा। ये मिलता है यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल, जो फिलहाल इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई भी चाइनीज़ लैंग्वेज इधर नहीं है। चाइनीज़ में मेड इन चाइना होता तो ये चाइनीज़ में लिखा होता। और देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरे बात में विश्वास मत कीजिएगा, ठीक है, ये आप भी पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकता है, कोई बात नहीं। और देखिए इधर एक वारंटी कार्ड मिलता है, जो 15 डेज से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तो आपको वारंटी दिल्ली के आसपास हो तो, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो कोई बात नहीं। लिहाजा दिल्ली के अलावा मुंबई में भी सर्विस सेंटर है, लेकिन अलग जो बड़े सिटीज़ को बात किया जाए तो उधर अभी सर्विस सेंटर नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द ये शुरू होने वाला है। और ये स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, इस स्क्रीन पे आप आपका कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको बाय पोस्ट में भी सेंड कर सकते हो, कोई बात नहीं, बताकर सेंड करना पड़ेगा आपको, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो। प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैं आपको बताया जो 5 ईयर्स पुराना है जो प्रोटोनिक्स का जो स्पीकर मिलता है, लेकिन अभी इसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी दमदार बैटरी भी है, इसका साउंड भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसको जो ब्लूटूथ स्पीकर मिलता है इस स्पीकर को साथ और क्या कुछ मिलता है, देखिए इधर एक छोटा सा कॉर्ड मिलता है, जो कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन के लिए छोटा कॉर्ड ही मिलता है, ज़्यादा बड़ा कर नहीं मिलता है। चलिए हेडफोन की तरफ ध्यान देते हैं, फिलहाल ये हेडफोन को मैं 2 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ऐसे ही बॉक्स पैक मुझे मिला था। तो देखिए इधर जो मैग्नेटिक अटैचमेंट है ये बहुत ही अच्छा है, और ये इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये भी वायर का जो क्वालिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ही अच्छा है, और वायर का क्वालिटी जो है बहुत ही बढ़िया है इसी प्राइस रेंज में। मैंने 899 में लिया हूँ, तो आप भी कैसे पा सकते हैं, ध्यान से देखिए पूरा वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिएगा, उधर लिंक दिया हुआ है बाय करने का, ठीक है। तो इधर देखिए एक इधर आपको जो जनरल चार्जर है ये आपको लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, आपका जो फ़ोन का चार्जिंग केबल है उसी के साथ आप चार्ज कर पाएंगे। और इधर आपको 3 बटन दिया हुआ है, और इधर ये इस पोर्शन में कुछ बटन नहीं है, और इधर एक छोटा सा माइक्रोफोन दिया हुआ है, ये छोटा सा माइक्रोफोन आप देख सकते हैं, और इधर जो 3 बटन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये ऊंचा भी है और आपको दाहिने हाथ से इसको ऑपरेट करने में बहुत ही मदद मिल जाएगा। और ये जो मिडिल का जो बटन है, मिडिल का बटन मल्टीफंक्शनल है, ये अपर का जो बटन है ये साउंड बढ़ाने का काम आता है, और नीचे का जो बटन है ये साउंड घटाने का काम आता है, और ये जो मल्टीफंक्शनल बटन है इसी के ऊपर सारा काम होता है। पहले देखिए कनेक्ट करने के लिए आपको पहले पावर ऑन करना पड़ेगा, देखिए
इसको होल्ड करके, मिडिल जो बटन है इसको होल्ड करके रखिए, तो ये ऑन हो गया। और देखिए आपका जो फ़ोन है, ये फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कीजिए, और पहली बार जब ऑन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपको सर्चिंग करना पड़ेगा, तो सर्चिंग हारमोनिक्स 222 आएगा, तो इधर आपको कनेक्टेड ऑप्शन इधर दिखाएगा, कनेक्शन ऑप्शन दिखाने के दिखाएगा, तो ये कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, ऑटो कनेक्ट करता है, कोई बात नहीं। एक बार फर्स्ट कनेक्शन में आपको देर लगता है, नहीं तो आदर्श कनेक्शन में आपको देर नहीं लगता है। और देखिए ये अभी कनेक्टेड हो चुका है, ये कनेक्टेड हो चुका है, और इसमें ड्यूअल कनेक्टिविटी मोड है, इसलिए ये अभी टैबलेट को भी मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, कोई बात नहीं। देखिए देखिए ये अभी चला आया, और इधर आप क्लिक कीजिए, पेयर कीजिए, इसको भी ये कनेक्टेड कर लेगा। देखिए कनेक्टेड फॉर कॉल्स एंड ऑडियो, 100% बैटरी। मैंने फिलहाल इसको 3 आवर्स इसको प्ले किया, फिर भी इसमें 100% बैटरी कैसे हो सकता है मुझे तो भाई पता नहीं। तो कब तक ये बैटरी ख़त्म होता है यही देखने की बात है। तो चलिए इसमें तो कनेक्टेड हो गया है, और देखिए इधर इसको भी कनेक्टेड हो गया है, इसका जो ब्लूटूथ स्पीकर है, ये देखिए इधर भी कनेक्शन हो गया है, ठीक है। तो ड्यूअल कनेक्टिविटी इधर देखने को मिलता है एक ही स्पीकर के साथ, तो आप चाहे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए दोस्तों ये इसका जो मिडिल बटन है इसके तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता देना चाहूँगा, ये जो प्रोडक्ट है ये इसमें स्नैपड्रैगन का चिप इंक्लूडेड है, और इसका जो माइक है ये थोड़ा सा नॉइस कैंसलेशन अच्छा से कर लेता है, मैंने टेस्ट करके देखा हूँ। और फिलहाल जो सोनी हेडफोन है, जो वन प्लस का हेडफोन है, इससे कंपैरिजन में कुछ भी ये इसमें कमी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा दोस्त को है, मैं आज ही शाम में मैं गया था और उधर कंपैरिजन करके देखा, जो इसमें जो क्वालिटी है ये क्वालिटी इधर कम देखने को नहीं मिलता है। मेरे बातों में आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये जो क्वालिटी है इस हेडफोन का, ये IPX5 सपोर्ट करता है, इसके लिए ये स्वेट और थोड़ा सा जो बारिश है ये सह लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये फुल वाटरप्रूफ नहीं है, एक बात ये आपको ध्यान में रखना है। फुल वाटरप्रूफ जो हेडफोन्स होते हैं इसका जो कीमत होते हैं ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखिए दोनों फ़ोन ही कनेक्टेड हो चुका है, अभी जो मल्टी फंक्शनल बटन है इसके ऊपर ध्यान देते हैं। जो फ़ोन लास्ट में कनेक्ट होगा उसी के साथ ये देखिए ड्यूअल क्लिक करने पे आपको गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये पहला तो एक है। दूसरा है जो आप कोई भी कॉल आते हैं तो इसको 1 सेकेंड होल्ड करके रखिए, तो आपको जो इनकमिंग कॉल है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। जब आप किसी को कॉल करते हो तो कॉल करते वक्त आपको ये 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, तो वो जितनी देर तक आपको कॉल कनेक्ट नहीं होगा वो रिडायल होता रहेगा। नेक्स्ट है देखिए, जो आपको कोई कॉल आया तो इसी बटन के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं, और होल्ड करके पकड़े तो वो जो कॉल है वो कट सकता है, वो हैंग ऑफ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, कोई म्यूजिक चल रहा है तो म्यूजिक को आप क्लिक करके पॉज कर सकते हैं, इसका डेमो मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए गाना में म्यूजिक चल रहा है, देखिए पॉज हो गया, अभी मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, देखिए प्ले हो गया, ठीक है। और ये 10 मीटर्स तक दूरी सपोर्ट करता है, मैंने देखा 15 मीटर्स तक जो लंबाई है कोई भी इसमें हिंड्रेंस नहीं होता है, तो ये कुछ भी डिस्कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ वर्सन 5 दिया हुआ है। और ये जिग जैग होता है, कोई भी दीवार पीछे से खड़ा हो जाता है तब ये इसमें फ़र्क पड़ता है साउंड क्वालिटी में, लेकिन ये थोड़ा डिस्टेंस में ये कोई दीवार ये कमरा से वो कमरा हो जाए तो इसमें फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला है। और दोस्तों इसका जो बास क्वालिटी है, देखिए इसका जो बास क्वालिटी है और इसका जो साउंड क्वालिटी है मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और ये बहुत ही लाउड है, आप चाहे तो इस लाउडनेस को घटा सकते हैं, और आप नॉइज़ी प्लेस में भी आप म्यूजिक है, आप कॉल है, एंजॉय कर सकते हैं। और ये टैबलेट और फ़ोन नहीं, पीसी को भी सपोर्ट करता है।
और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त और फैमिली को साथ साथ इस देश को ये वीडियो को जरूरत है, क्योंकि सेल टू इंडिया।